हेलो दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की एक नई न्यूज में आप सबका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही प्यारी अपडेट आई है। ईपीएस 95 पेंशन के मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे तीन बड़ी अपडेटों के बारे में जो ईपीएस 95 पेंशन के बेहद खास हैं। हालांकि वैसे तो ईपीएस 95 पेंशन के हर एक अपडेट अपने लिए खास ही होती है, लेकिन आज के जो प्रमुख तीन अपडेट निकल के आ रहे हैं तीनों के तीनों अपडेट काफी महत्वपूर्ण खास हैं, क्योंकि एक अपडेट के माध्यम से यह जानकारी हम लोग लेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को कितनी हर पेंशन की राशि दी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि मुहैया कराई जा सकती है या नहीं, या मुहैया कराने से संबंधित जो अपडेट सामने निकल के आती हैं वो क्या अपडेट होते हैं, क्या उसमें सच्चाई होती है या नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो की बात हम लोग करेंगे कि सीबीटी की बैठक है। हाल ही में आप लोगों ने जाना होगा कि सीबीटी की बैठक है जो 1/12/2022 को होगा, समय उसका 3 बजे रखा गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से इस बैठक को किया जाना है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ईसी है ईपीएस 95 पेंशन की, ये जो सीबीटी की बैठक हो रही है, क्या इस सीबीटी की बैठक के माध्यम से क्या ईपीएस 95 पेंशन लाभान्वित होंगे या नहीं, और ये ईसी की बैठक माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईसी की बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है ईपीएस 95 पेंशन के। साथ ही साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार 3 पत्रों को भेजा गया है, उन 3 पत्रों के माध्यम से क्या ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई बात सामने आएगी या नहीं आएगी। ये जो 3 पत्र हैं, ये 3 पत्रों को कहां से भेजा गया है, कैसे भेजा गया है, किनको भेजा गया है, सारी की सारी जानकारी जानेंगे अब आज के अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए आए दिन प्रत्येक दिन तरह तरह की अपडेटें सामने निकल के आती हैं, उसमें से कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें सही नहीं भी होती हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि कितनी होगी, कितने प्रतिशत तक की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए, अभी आप लोगों ने 4/11/2022 का एक बहुत बड़ा अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जाना है, जहां पे अंतिम फैसला था ईपीएस 95 पेंशन की जो पेंशन राशि है उस पर बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। 11 नवंबर 2000 पहले से जितने लोग 2014 के पहले से जितने लोग रिटायर्ड हुए थे और जो नहीं हुए थे उसमें ऑप्शनल फॉर्म की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अपडेटों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती है कि ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि दी जाएगी, वो अपडेट कहां से निकल के आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ संगठन है, जब श्रम मंत्रालय और माननीय सरकार का आप मतलब की बात होती है और सरकार और श्रम मंत्रालय जब समर्थन देते हैं मतलब की पूरी तरीके से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि की जाए, उस समय संगठनों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर जो बात कही जाती है, उसमें से जैसे कुछ संगठन के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन को 5,000 रुपये तक पेंशन में वृद्धि करने की बात कही जा रही है, जो प्रेजेंट समय मौजूदा समय की बात मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये बात मैंने बहुत पहले अपने वीडियो के माध्यम से बताई थी कि जहाँ पे यह सामने निकल के आया था कि ईपीएस 95 पेंशन को 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी, लेकिन वहीं पर बहुत सारी संगठनों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, कुछ संगठनों के माध्यम से 9,000, कुछ के माध्यम से 2,000, कुछ के माध्यम से 3,000 दे रहे हैं। तो ये अपडेट कहाँ से निकल के आते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये अपडेट जो होते हैं, ये अपडेट कहीं ना कहीं सरकार और माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जो बातें होती हैं, उन बातों में जो निष्कर्ष लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, उन डिसीजनों से यह मतलब कि निष्कर्ष निकल के आते हैं। इसके ऊपर मैं डीप में एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे बात मैं आपको बता दूं, 1/12/2022 को एक बहुत बड़ी बैठक है, सीबीटी की बैठक है, जो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने करवाने से संबंधित सारी की सारी बातों को रखेगा। ये भी केंद्रीय और देखिए सीबीटी का बैठक ही होता है, सीबीटी का जो बैठक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक होती है, लेकिन एक सीबीटी की बैठक इसके पहले भी हुई थी 232वीं सीबीटी की बैठक, जहाँ पे जितने भी थे ईपीएफओ के अधिकारी लोग थे, ईपीएफओ के जितने भी सदस्य लोग होते हैं ईपीएफओ के थे, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से ये सीबीटी की बैठक की जा रही है, जिसका मतलब यह होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब यह है कि जो हाई रूप से जैसे केंद्र में जो सरकार है या सरकार जहां से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि की जा सकती है उनके साथ में डायरेक्ट इनका संपर्क होता है, यानी कि ये बहुत हाई लेवल के जो सदस्य हैं इनके बहुत हाई लेवल के हैं, और डायरेक्ट इनका जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होगा, जो इनका फैसला होगा वही सर्वमान्य फैसला होगा। तो इस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की बात होती है, एजेंडा भी सामने नहीं आया है, एजेंडा भी सामने आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर उससे संबंधित किसी भी प्रकार की बात या बैठक होती है, अच्छा उसका एक लेटर भी यहाँ पे जारी हुआ था, उस लेटर को भी आप लोग देख लीजिएगा,
तो कोई भी एजेंडा अगर सामने जारी होता है तो वो भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उमेटेक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा ही। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित सीबीटी की बैठक 1/12/2022 को तय की गई है। और तीसरे नंबर पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे जा रहे हैं। 3 पत्रों को भेजा गया है जिसका तारीख है 20/11/2022 को पहला पत्र भेजा गया था और 21/11/2022 को दूसरा और 21/11/2022 को तीसरा पत्र भेजा गया था। यहाँ पे मेंशन है एनएसी के टीम के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। ये जानकारी जो तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से इस पत्रों को भेजा गया था, जहाँ पे बुलढाणा महाराष्ट्र में क्रमिकल संचार चल रहा है पिछले लगभग 4 सालों से, वहाँ से यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो इतने लंबे समय से क्रमिक अनशन और इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। ये तीन अपडेट जो महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है कि आपकी पेंशन वृद्धि, हालांकि अभी कल की रिपोर्ट थी कि जहाँ पे ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन देने से मना किया था क्योंकि उनके पास बजट फंड की कमी की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो सीबीटी की बैठक है, यहाँ पे बैठक से संबंधित जो जानकारियां सामने निकल के आई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 पत्र भेजे गए और इस प्रकार की जो बातें सामने आई, उससे ईपीएस 95 पेंशन के मन के अंदर में एक और आत्मविश्वास के साथ में एक और जो है तो उनके मन के अंदर में ये हो गया कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी। बाकी लगातार अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के ये जानकारी, ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में अभी तक जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।